हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा, और यहां पर आज हम लोग देखेंगे हिंदी का पेपर। और जो ये हिंदी का पेपर है ना, ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक ना, आपका जो पेपर वार है किन नंबर का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। और आज के इस पेपर में पता है पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और यहाँ पे ये जो पेपर है इसका हम करेजा पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड कर देंगे। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। सबसे पहले आप लोग सर ज्वाइन करिए। एंड आज का वीडियो लाइक टारगेट हम रखते हैं यहाँ पे, मतलब जब तक बोर्ड परीक्षा होगा 10,000 तो वीडियो लाइक टारगेट हो ही जाना चाहिए। नहीं यार भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस पीडीएफ को, तो बहुत मजा आएगा। ये पेपर 100 में 100 एकदम दिलाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। चलिए सर थोड़ा सा कुछ बता देते हैं यार। और रही बात गुरु जी, हमेशा तो आप माइक लगाते थे, आज ये वाला माइक लेकर आए हैं। तो देखिए यार, अपने पास दो ही स्टूडियो है, मैंने आपको बताया था दो स्टूडियो है, एक अपना तो वहाँ सेटअप है और एक घर पे ही सेटअप करवाया है। तो दो दो जगह स्टूडियो है, ठीक ना, एक जहाँ पढ़ाई करते हैं और एक यहाँ पे है। तो आज हम इसी वीडियो स्टूडियो से बना रहे हैं इसको। चलिए अगर मान लो अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई साहब। एकदम सस्ता वाला माइक यूज कर रहे हैं, टीचर्स हैं तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं बता दूंगा कौन सा माइक है, बाई कर लेना भाई साहब। मतलब कि कुल मिला के 1,000 रुपये में आप 30,000 रुपये माइक का टक्कर दोगे और 100% क्वालिटी के साथ, है कि नहीं। चलिए सर यहाँ पे देखिए, जो टाइम मिलेगा पेपर में आपको वो मिलेगा सर कितना, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितना, 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा टाइम मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है आपके लिए अनिवार्य रहने वाला है, बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खंड क को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, सॉल्व करने वाले हैं। खंड क कितने नंबर का आएगा, 50 अंकों का आने वाला है, 50 नंबर का आएगा। सबसे पहला यहां पे देखेंगे तो पहले प्रश्न में 5 बहुविकल्पी आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। चलिए यहां पे है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अच्छा गुरु जी, अच्छी ये बताइए गुरु जी, अशोक के फूल के रचयिता कौन है भैया, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। ख वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया निबंध है कविता क्या है, कविता क्या है किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अच्छा गुरु जी, राष्ट्र का स्वरूप किसका है गुरु जी, अरे करेजा याद करो यार, राष्ट्र का स्वरूप रावा गुरु जी, राम मतलब क्या, राज का स्वरूप, वा मतलब गुरुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, अग्रवाल भाई साहब हैं किसके गुरुजी, राज के स्वरूप के लेखक, बहुत बढ़िया गुरुजी। अच्छा अशोक के फूल के गुरुजी, अरे गुरुदेव, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद गुरुदेव द्विवेदी हैं, नोट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए है कि नहीं, याद हो रहा है ना, आ रहा है गुरुदेव, एकदम चौचक याद हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। अगला देखो करेजा क्या, यहाँ पे अजात शत्रु रचना की विधा है। अब गुरु जी विधा क्या है, विधा मतलब होता है गुरु जी प्रकार, कहना, अरे इनके अंदर अनेक विधाएं हैं, मतलब कि ये अनेक प्रकार के हैं। तो जैसे यहाँ पे अजात शत्रु है, ये कौन सी विधा है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, या फिर बात करेंगे नाटक है। तो जो अजात शत्रु है वो नाटक है। गुरुदेव लेखक का नाम कमेंट कर देना तो मजा आ जाएगा। चलिए ये आप कमेंट करेंगे करें जाएंगे नहीं। अगला है यहाँ पे अज्ञेय की रचना है, अरे गुरुजी बहुत सिंपल है, कौन और टेंशन नहीं लेना है। अज्ञेय की रचना गुरुजी शेखर एक जीवनी है, गुरुदेव शेखर एक जीवनी ही नोट कर लो भैया, ठीक है ना, बिल्कुल कहीं पे कोनो बवाली चीज नहीं करना है, मतलब गड़बड़वाना नहीं है, है कि नहीं। एकदम गुरुदेव पियल्ले पेपर में एकदम तैयारी करवा रहे हैं आपका, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अगला यहाँ पे बहादुर कहानी के लेखक हैं, भैया बहादुर कहानी का आप सारांश पढ़ लेना, सारांश पढ़ लेना, और गुरुदेव सारांश आएगा या फिर इसका कथा वस्तु आ जाएगा,
तो पढ़ लेना यार, आपका काम हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन हैं? जो आपके बहादुर कहानी लेखक हैं, अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी के सारांश से बहादुर हैं। कौन है? बहादुर हैं, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे है। अब देखिए, पहले में पांच बहुविकल्पी थे, अब दूसरे में भी आपको सर पांच बहुविकल्पी टोटल मिलने वाले हैं। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है गुरु जी। चलिए भैया देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, दूसरे का। क यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं सर, प्रगतिवादी काव्यधारा के जो हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। अगला गुरुदेव, बिहारी की रचनाओं का छंद है गुरु जी, ये चौपाई है। क्या है? चौपाई है। पिपरवा में आपका छंद सोरठा, ठीक ना, कुंडलनिया से आपका टोटल 2 नंबर मिलेगा। तो ये तो याद कर लेना, दोहा इसके जितने भी प्रकार होते हैं, रटा रटाया होना चाहिए। दोहा, चौपाई और कुंडलनिया, दोहा चौपाई और कुंडलनिया, ये आपको याद होना चाहिए गुरु जी, याद होना चाहिए, याद रखना। अगला यहाँ पे है ग वाला। क्या है सर? जो यहाँ पे आंसू हैं, रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है गुरुदेव। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला यहाँ पे घ वाला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है गुरु जी, कोनो दिक्कत नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र का है। क्लियर है रहा है गुरुदेव? पूरा एकदम क्लियर ही है गुरु जी। अगला देखिए भैया, अंगा वाला प्रश्न। प्रश्न क्या है सर यहाँ पे? प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। कितने सप्तक थे? पूरा कमेंट बॉक्स में छापना। लो भैया अगला यहाँ पे गद्यांश। देखिएगा, मैं आपको 10 नंबर का बहुविकल्पी पूरा पूरा इस पेपर मैंने करवा दिया है। अब हम लोग करने वाले हैं सर किसके बारे में? वो करने वाले हैं सर गद्यांश के बारे में। किसके बारे में? गद्यांश के बारे में पूरा पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना? कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अगला यहाँ पे देखना यार, क्योंकि यहाँ पे मैं शुरू शुरू नया नया आया हूँ, मतलब इस स्टूडियो में पहली बार बना रहा हूँ, तो थोड़ा देखना पड़ता है क्या हो रहा है भैया, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं चीज़ें, क्योंकि सारा सेटअप यहीं का है, अपना पूरा सेटअप वहाँ पे मैंने लगाया है कि नहीं, तो दिन देखना पड़ता है क्या इशू चल रहा है इसमें, फर्स्ट टाइम है तो धीरे धीरे अपनी तो हैबिट हो जाएगी। अगला यहाँ पे तीसरे वाला, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का सर आएगा, 5 आपके यहाँ से प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो कैलकुलेट करिए गुरु जी। हम तो हिंदी के छात्र हैं, गणित नहीं आती। अरे भैया हम उधर भी पढ़ा देंगे, धुआं धुआं गुरु जी उनकी कसम खिला के पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए यहाँ पे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन क्या हैं गुरु जी? बराबर हैं, करेक्ट। उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, हाँ भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से भूमि के साथ साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अततः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी, है कि नहीं? चलिए सर, पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। एक बात याद रखना, कहीं पर आपको पृथ्वी दिखाई दे, कहीं पर आपको जन दिखाई दे, कहीं पर आपको राष्ट्र दिखाई दे, अगर ये सब आपको चीज कहीं दिख रहा है तो याद कर लो ट्रिक गुरुजी, रावा। क्या है गुरुदेव? रावा। राव मतलब राज का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव स्वर्गवाल। तो अगर पृथ्वी दिखाई दे, राष्ट्र दिखाई दे, जन दिखाई दे, तो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, लेखक वासुदेव स्वर्गवाल। तो यहां पर देखिएगा, यहाँ पे जन शब्द दिखाई दे रहा है, पृथ्वी दिखाई दे रही है, राष्ट्र दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं, अर्थात पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, रूप है, और पाठ के लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। 2 नंबर करेजा पक्की पकाई है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम भैया ले लेना है गुरु, ऐसी दौड़ाए के ले लेना है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अच्छा गुरु जी, रेखांकित का मतलब है क्या भैया? मान लो यार,
स्कूलिया में हो गई लड़ाई, बहुत मारपीट हो गई एकदम चपुआ तरीके से एकदम। ए गुरुजी वो पटक के मारा है, वो गुरुजी एकदम लतियाया है, इस प्रकार से लड़ाई हो गई। और लड़ाई किससे हुई गुरुजी? पिंकी से लड़ाई हुई है। अब भैया पिंकी गई ना, बताए देन गुरुजी किससे? प्रिंसिपल से। गुरुजी वो बहुत मारा है, मतलब भाई साहब मार एक को थप्पड़ न खाई हो, लेकिन जानते भैया बातों को बढ़ा चढ़ा के। बस वही वाली हाल है कि मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के। भैया पिंकी गुस्सा मत होना, एकदम काल्पनिक है, पता लगा गुरुजी के ऊपर FIR कहीं देना है कि नहीं भैया, अब तो कुछ भी संभव है, बवाल हो ही जाए फिर भैया, जो भी हमारी चल रही है वो भी दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने उड़ाने का ही नहीं भैया, माफी चाहते हैं। हाँ सब कुछ काल्पनिक घटनाएं हैं यहाँ पे, तो बस उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। पृथ्वी का विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, और नगर और जनपद पूरा और गांव जंगल और पर्वत अनेक प्रकार से नाना भरे हुए, मतलब कि कुछ नहीं यार, आप उसी को छाप देना, एक नंबर मिलेगा, थोड़ा और लिख देंगे 2 नंबर मिलेगा। तो हिंदी में एक स्कोर आप अच्छे से कर सकते हैं नंबर। अगला है, समान अधिकार का भागी कौन है? गुरुजी बहुत सिंपल सवाल है यार, समान अधिकार का भागी कौन है? ऊपर आएंगे तो समान अधिकार का जहां पे भागी दिखाई देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वह समान अधिकार का भागी है। अच्छा गुरु, समान अधिकार का भागी कौन है? तो यहाँ पे जब कौन लगाएंगे, तो कौन लगाएंगे तो यहाँ पे वह दिखाई देगा। वह कौन है इसके आगे वाला? जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। दैट्स द आंसर यार, बहुत करेक्ट आंसर है। मैं आपको पद्यांश याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसी गद्यांश याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? तो समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी, यानी जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अब जहां पे किसका विस्तार अनंत है दिखाई दे वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऊपर यहाँ पे आएंगे तो किसका किसका विस्तार अनंत है? भैया देखिए माता अपने जन बराबर होते हैं, किसका विस्तार अनंत है? और नीचे चले आओ, कहाँ पे है? जहां पे विस्तार अनंत दिखाई दे वही इसका आंसर आंसर हो जाएगा। नीचे आएंगे, मातृभूमि सौहार्द सभ्यता और अखंड की दृष्टि से इसको ढूंढेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहां पे ध्यान देना, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अगर जनपद और अनंत का अर्थ होता है, जनपद मतलब क्या होता है? अनंत मतलब, तो अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, और जनपद मतलब क्या होता है गुरु? जिला होता है। जनपद मतलब क्या होता है? जिला होता है। कोनो दिक्कत नहीं है गुरु जी। चलिए अगला आ जाइए आप गद्यांश पर, गद्यांश बात सॉरी सर पद्यांश पर। यह पद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा सर, 10 नंबर का ये आपका पद्यांश आने वाला है, याद रखिए। कितने नंबर का सर? 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना? करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पर सर 10 नंबर का आएगा, 2 5 10 नंबर का है क्या यहाँ पे? निज जन्म जन्म में सुने जीव ही मेरा, धिक्कार वा उसे महास्वार्थ ने घेरा, वह 100 बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई, पागल सी प्रभु सभा के साथ चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है, आगे है क्या इसके लाइन? नहीं आगे नहीं है। अब इसका देखिएगा, इसका यहाँ पे व्याख्या मैंने करवा दिया है, मैंने हर चीज बहुत एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाया। देखिए इसी का व्याख्या यहाँ पे कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक हमारी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया है, उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया है। कैकेयी इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, अतः यह सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्देश दिया जा रहा है। सभासदों की बात सुनते हुए कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहती है कि हाँ, मैं उस पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे जिस जिसे जिसे बात मैंने खो दिया, वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया, मैंने हर प्रकार के अपशय ही कमाया और स्वयं को क्या किया, कलंकित भी किया। कुल मिलाकर भैया इसका क्या ये अर्थ है? अब इसी से क्वेश्चन बनेंगे, बस आप निकालते लगाते हुए चले जाइए, काम खत्म हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे बहुत ही प्यारा सवाल है, पहला वाला ध्यान देना क्या है।
उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश का जो शीर्षक है कैकेयी अनुताप है और इसके लेखक मैथिलीषण गुप्त हैं। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना है गुरुजी। जहां पर रेखांकित अंश है, निज जन्म जन्म में सुने ये जीव है मेरा, धिक्कार उसे वा महास्वार्थ ने घेरा, बस इसी को खोल कर लिख देना, बना कर लिख देना और कुछ नहीं करना है। आपको सर नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको बस एक ही लाइन लिखना है गुरुजी कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा, ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने मार्ग के धर्म का त्याग कर अधर्मांग का अनुसरण किया। अगला है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो भैया कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यह सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न है सर। अगला प्रश्न है सर, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार बार क्या है, धन्य है। अगला पांचवा है प्रश्न, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है सर, धन्य है। क्लियर है? तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश करेगा, 30 नंबर एकदम चापुआ तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सर, यहाँ अगला है आपका प्रश्न नंबर 5। देखिएगा, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता दूं तो आप पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत आ रहा है गुरु जी? कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकदम गुरु चौचक तरीके से है कि नहीं? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है गुरु जी? एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। चलिए सर, अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से भैया ठोको यार, ठोको लाइक सब्सक्राइब कर लो भैया। किसका वेट कर रहे हैं? पड़ोसी की वेट कर रहे हैं क्या? ये पड़ोसी पढ़ रहा है भैया, रात दिन मेहनत कर रहा है आपका पड़ोसी, आप ही है जो नहीं कर रहे हैं भैया, उसके चक्कर में मत पड़ो, है कि नहीं? हाँ, कसम उसम खिला देंगे अभी तो दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए गुरु जी उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही सिंपल है यार, 5 नंबर फ्री में 5 नंबर। देखिएगा, पहला है वासुदेव अग्रवाल, दूसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तीसरे हैं हजार प्रसाद त्रिवेदी। तीनों भैया एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा गुरु जी, एक बार बता दे, देखिए ये हैं भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? जो राष्ट्र का स्वरूप है गुरु जी वो है वासुदेव अग्रवाल का। हजारी प्रसाद त्रिवेदी कौन है गुरु जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी अशोक के फूल के, अशोक के फूल के जो लेखक हैं गुरु जी वह हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है ना? चलिए, उठा रहे हैं किसको? हजारी प्रसाद त्रिवेदी को ही उठा ले रहे हैं। चलिए, एक ही करना है, बाकी आप एक्सप्लेन कर लेना। जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिले में, पिता का नाम अनमोल त्रिवेदी था, गुरु जी माता का नाम ज्योतिषमती था। लिखने का बहुत सिंपल है कि हमारे महान लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। मतलब सोचो यार, बढ़ा चढ़ा के। उसके बाद इनके पिताजी बहुत ही अच्छे थे, देखने कोई जा रहा है कितने अच्छे थे तो थे, अब कुछ भी हो, अनमोल त्रिवेदी नाम था उनका, और उनके माता बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारी थी, कौन? ज्योतिषमती। बस ऐसी आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है और कुछ नहीं। भैया एग्जामिनर चाचा आप देखना चाहता है क्या क्या आप लिखे? फिर बचपन का इनके नाम क्या था भैया? बैद्यनाथ त्रिवेदी था, और ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे, इनकी मृत्यु इतने 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 में हो गई थी 1989 ईस्वी। बस बाकी इनकी प्रमुख कृतियां याद कर लो, काम खत्म हुआ, कोनो दिक्कत नहीं। अगर बताना इसको एक्सप्लेन करना होगा वो भी कमेंट कर देना, एक्सप्लेन करवा देंगे। अगला देखना क्या सर जी, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये गुरु जी 5 नंबर, कितने नंबर का गुरु जी? 5 नंबर के पेपरवा में आपके आएंगे, 5 नंबर के। देखिएगा, महादेव वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत है, तीन लोग हैं भैया। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का हम ले रहे हैं। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर का गुरु जी सबसे पहले जन्म की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिले के मुंगेर और बिहार स्टेट में राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम
रवि सिंह था, भाषा कैसी थी? परिष्कृत खड़ी बोली थी। इनकी शैली प्रबंध और मुक्तक शैली थी गुरु जी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, शामधेनी है, रेणुका है और परशुराम की प्रतीक्षा है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में गुरु जी हुई थी। ठीक है, चलिए बाकी एक्सप्लेन कर लेंगे हाँ अगर आप कहेंगे तो। अगला यहाँ पे छठा नंबर पे आएगा आपका, पंचलाइट अथवा या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्दों में देना है, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। कहानी और सारांश, कहानी का जो सारांश है उद्देश्य यही तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। दो ही इंपॉर्टेंट है यार, बहादुर पंचलाइट वाला कर लो काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम पंचलाइट को लिए हैं। चलिए पंचलाइट को लिए हैं, क्या लिखेंगे इसमें? बहुत ही सिंपल है, पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के एक गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक गांव होता है जिसमें एक महतो टोली, महतो नहीं, महतो टोली नामक समूह के लोग गांव में रहते हैं। यह टोली रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद लाती है जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद रात के समय यह लोग पूजा का आयोजन करते हैं और लेकिन इस मौके पर किसी को यह पता नहीं चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक होता है जो मुनरी नामक युवती से बहुत ही प्रेम करता है और एक दिन गोधन मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाता हुआ जा रहा था और मुनरी की जो काकी थी, भैया कौन भैया? अरे गुलरी गुरुदेव, गुलरी गुरुदेव, गुलरी काकी गुलरी गोधन को देख लेती है जिसकी शिकायत पंचों से कर देती है और पंच गोधन को अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं। मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स को जला लेता है और इसी बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। फिर गोधन आकर पंचलाइट को जला देता है जिससे टोली के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पंच लोग उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि सात खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। और गुलरी काकी भी गोधन को रात पर भोजन के समय बुलाती, कहती है भाई ऐसा दमाद कहाँ मिलेगा, और यह जहाँ पे अनपढ़ गंवार होकर जा और वहाँ पर सोचो यार पेट्रोमैक्स का जलाना नहीं आता हो, कोई अगर वहाँ पेट्रोमैक्स जला दे तो कितनी खुशी की बात होगी, बस यही दमाद चाहिए, बस समझ में आ रहा है ना मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, स्वपठित खंड काव्य 5 नंबर का आएगा करेजा। यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, जिले के अनुसार आप इसको करेंगे, ठीक है ना, 5 नंबर। जैसे मुक्ति यज्ञ, हाँ अगर आप बोलेंगे तो आपके जिले के अनुसार बता देंगे किस किस जिले में कौन कौन सा खंड काव्य आएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्यागपथी और श्रवण कुमार है। यहाँ पे रश्मि रथी के खंड काव्य का 5वां सर्ग मैंने दिया है, हालांकि आप इसको अपने जिले के अनुसार पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए खंड ख, खंड ख में 14 नंबर आप थोड़ा खुद से करिएगा, पेपर से कुछ दिन पहले मैं इसका इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो कहीं भाई संस्कृत में काट ठो गड़बड़ पढ़ देंगे तो पता लगा कि उंगली उठाना शुरू कर देंगे, गुरु जी हाँ हाँ ये गुरुदेव गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो भैया एक संस्कृत का गद्यांश है, इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश, इसका संदर्भ ये अनुवाद है, स्क्रीन शॉट कर लो भैया। और ये पद्यांश है 7 नंबर का, ये है इसका संदर्भ, ये अनुवाद है, इसको थोड़ा खुद से नोटेट कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए सर अगला यहाँ पे मुहावरा और लोकोक्तियाँ आएगा, 2 नंबर का आएगा, 4 ठो रहेंगे, फ्री का नंबर मिलेगा, इसमें कोई टेंशन लेबे ही मत कर भैया, वो कर लोगे। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब कि कितनों भी पढ़ाई दू समझ में आने वाला नहीं है। आँख का तारा हो ना गुरु जी, बहुत प्रिय हैं गुरु जी, वो हमारे आंखों के तारे हैं गुरु जी, बिना देखे गुरु नींद नहीं आती रात में। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना। ईद का चांद होना मतलब गुरु जी गायब हो जाना। अरे वो रमेश ईद का चांद हो गया यार, बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहे, बस बहुत ही सिंपल है यार। देखिए यहाँ पे है ईद का चांद होना, बहुत दिनों से दिखाई देने ना देना, यानी कि अरे रमेश तुम तो ईद के चांद हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे, बहुत याद आती है आपकी। उसके बाद देखिए पेपर में पहले हुआ करता था क्या, संधि विच्छेद और क्या विभक्ति और वचन, लेकिन अब ये हट चुका है, पिछले साल से आपके पेपर में हट के आपका जुड़ा हुआ है क्या, अपठित गद्यांश 5 नंबर का। तो इसको मैं अगले वीडियो में, अगला जो आपको मैं पेपर दूंगा, पेपर जो कि 2024 पर आधारित होगा, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम दे देंगे, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 11, निम्नलिखित में शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए, अनिल और अनल। तो अनिल मतलब गुरु जी हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, तो हवा और क्या हो जाएगा गुरुदेव,
आग हो जाएगा। उसके बाद है अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज मतलब कमल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है सर, शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। ये कांड का गलत है, गति तीर और पयोधर। लेकिन यहाँ पे तीर का मैंने लिया है गुरुजी। तीर का क्या होता है, बाण, किनारा और सीमा होता है। पयोधर का भी याद कर लो और गति का। तो इसका मैं बना लिया हूँ, वन शॉट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको वन शॉट में क्या रहेगा सर, पूरा पूरा आपका ये शब्द युग्म खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। टेंशन नहीं लेने का, मजाक नहीं कर रहा, टेंशन ना लो, सब मिलेगा आपको। अगला है गुरुजी यहाँ पे आपका, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आशा से अधिक आशातीत, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए उसके बाद यहाँ पे सर किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। दो नंबर का आएगा, एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, बेटी तो पराया धन होता है, चार कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी दूसरी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे पहला है व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, तो व्यक्ति साहित्य और जीवन का घोर संबंध होता है, यही है, ठीक है। उसके बाद बेटी तो पराया धन होता है, बेटी पराया धन होता है, तो नहीं होगा, बेटी पराया धन होता है बस। और यहाँ पे चार कानपुर के व्यक्ति नहीं बोले, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, यहाँ पे चार आ जाएगा, तो इसको आप कर लेंगे अगला, ठीक है ना। अगला यहाँ पे रस छंद अलंकार भैया इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 का क नंबर वाला, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। दो नंबर का आएगा, सबसे पहले यहाँ पे श्रृंगार रस है और वीर रस, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे श्रृंगार रस आप पढ़िएगा, वीर रस मैं करा रहा हूँ, और श्रृंगार रस को मैं अगले वाले वीडियो में कैच करूँ, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए सर यहाँ पे परिभाषा, उत्साह नामक भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या वीर रस की दशा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाऊ, मिल ही राम मिट ही दुख दाहू। तो ये आप इसका उदाहरण नोट कर सकते हैं भैया, टेंशन ना लो, पंडित नहीं है गुरु जी, कथा सुनाए बैठे हैं गुरु जी, स्वाहा मार दिए, ऐसा नहीं है ना। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार एवं उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। एक बार मैं आपको कन्फर्म कर दूं, हम बायोलॉजी भी पढ़े हुए हैं, मैथ भी पढ़े हुए हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सुई भी लगा सकता है डॉक्टर वाले, टेंशन नहीं लेना है, मतलब सब कुछ कर सकता है, नहीं भैया करके बैठे हैं। चलिए करे जागला, यहाँ पे उपमा अलंकार की बात करेंगे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार अपने पड़ोसी से बैठ के पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ाएगा तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। अरे गुरु जी कल लड़ाई हो गई थी गुरु जी, रतिया में क्या हुआ था बताया गुरु जी, हुआ क्या था गुरु जी, उसके यहाँ गुरु जी नींबू का पेड़ है, मन किया गुरु जी रात में नींबू वाटर पीने का, क्योंकि गुरु जी बिल्ली चैप्टर पढ़ रहा था, है नहीं, अब चले गए गुरु जी तोड़ने के लिए, पड़ोसी रात में पकड़ लिया गुरु जी, बवाल हो गया गुरु जी से, लड़ाई हो गई है। चलिए परिभाषा, जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे तारा सो तननी धूरी धरा में लगन जीवी, थारा पर पारा परावर यो हलत है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे कहते नहीं कि आपके जो नयन है वो किससे, हम बता दें यार, मृग से मिल रहे हैं या हिरण के जैसे हैं, तो ये सब आप परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे कुंडलनिया, क्या है कुंडलनिया, है कुंडलनिया छंद अथवा दोहा छंद का रक्षण एवं उदाहरण दीजिए। दो नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने दोहा छंद को लिया है। अब दोहा छंद में देखिए क्या है, यहाँ पे परिभाषा, परिभाषा क्या है इसकी, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती, तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आता है। उदाहरण के लिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबल विमल जसु जो दायक फल चार। भैया ये तो सबको आता है पढ़ना ही नहीं, हाँ गुरु जी आता है। चलिए अगला यहाँ पे आपका 13 नंबर वाला, जो 6 नंबर में या आपके 6 अंकों का पेपर में सर आने वाला है, 6 नंबर का। देखिए, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक पद की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं गुरु जी। उत्तर में क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में बता रहा हूँ, बस इसमें भर देंगे, सेवा में प्रधानाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में सहायक अध्यापक की भर्ती है, तो या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर महोदय सेवा में से विनय निवेदन है कि मैं
फलाना डेम का इतना पढ़ा पढ़ा लिखा हूँ गुरुजी, और हमें अध्यापक पद पर आप नियुक्त कीजिए, ठीक है ना। जो भी अपना रहेगा पूरा बवाल इसमें लिख देंगे। उसके बाद आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। फिर धन्यवाद, फिर यहाँ पे सर डेट डाल देना, डेट के बाद यहाँ पे भवदी एक्स वाई जेड, फिर पता अपना डाल देना, ठीक है ना। यही पता है अपना। अरे यार गुरु जी, मामला कर देंगे गुरुदेव एकदम। चलिए सर, अगला है यहाँ पे गुरु जी, अगला है आपका निबंध लेखन। सर 9 नंबर का आएगा, बहुत ही सिंपल है 9 नंबर का निबंध। पहला यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। नई शिक्षा नीति, मेरे प्रिय कवि, या फिर यहाँ पे कवि आएंगे या फिर लेखक, कोई भी यहाँ छाप देना, वर्तमान समाज में नारी का महत्व। तो यहाँ पे हमने लिए हैं प्रिय लेखक किसकी, सुमित्रानंदन पंत को यहाँ पे उठा लिए हैं। कुछ नहीं करना, इनके बारे में बस लिख देना है। किसका भी जीवन परिचय आपको याद रहे, लेखक दिया है तो 3 ठो आप जीवन परिचय लिख के आ जाए, लेखक में छाप देना, कवि का याद है तो कवि का छाप देना। बढ़िया, सबसे पहले प्रस्तावना देना है, जिसका होगा हेडिंग डालना। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा नगर के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त और माता का नाम सरस्वती देवी था, परंतु जन्म के कुछ समय बाद ही माता का देहांत हो गया। उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और काशी के जयनारायण स्कूल से 1919 में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और इलाहाबाद में म्योर सेंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। 1921 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको लिख दीजिएगा, फिर इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो लिख दीजिएगा, फिर लास्ट में उपसंहार लिखने काम खत्म हुआ, ठीक है ना। तो ये रहा भैया करेजा, पूरा पूरा 2025 के लिए एकदम आने वाला पेपर रेडी है आपके, 100 में 100 नंबर दिलाने का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने भैया करेजा पूरा सॉल्व भी कर दिया है और मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को इंपॉर्टेंस में ऐड किया है जो कि आपके 2025 बोर्ड में गारंटी के साथ आने वाले हैं। इस पेपर को घोल के पी लो, रट डालो, कुछ भी करो इसके साथ कर लो भैया, लेकिन छोड़ो मत, पकड़ के रखो, ठीक है ना। एकदम 100 में 100 दिलाने का एकदम अपने आप में औदा रखता है, मतलब दम है इसके अंदर, करेजा रखता है, नहीं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसका पीडीएफ गुरुदेव कहाँ मिलेगा? अरे भैया टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री मिलेगा, लिंक कहाँ है गुरुदेव? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है सर, ज्वाइन करिए। और हाँ, कोई दिक्कत है तो भैया इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, है कि नहीं, सब चलाते ना इंस्टाग्राम रील्स वील्स देखने के लिए, भैया हमें भी फॉलो कर लो यार, SKM स्टडी, ओनली SKM स्टडी, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।